वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल वेल। तो हम कौन सा चैप्टर में बुक पढ़ा रहे थे? आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस पढ़ा रहे थे। जो कौन लिखे हैं, इसे लिखने वाले कौन है? राइटर का नाम दिया है ग्रांट टेलर। आपका कन्वर्सेशन ए और कन्वर्सेशन डी हो गया था ऑलरेडी, तो कन्वर्सेशन सी पे आते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा था? फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे। कौन सा चैप्टर में? मीटिंग में। जब हम लोग मीटिंग करते हैं, किससे मुलाकात करते हैं, किस तरीके से हम लोग बात करते हैं, कन्वर्सेशन आगे अक्सर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा आदमियों के बीच में होता है। तो कन्वर्सेशन ए और बी आपका ऑलरेडी हो चुका है। और ये कौन सा कन्वर्सेशन है? बुक आपके हाथ में रहेगा, बुक नहीं तो पेन और कॉपी अपने पास जरूर रखें। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है? ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है? यानी पी वन इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या कहता है? आई एम प्लीज टू मीट यू। अगर आप किसी से मिलते हैं तो उससे मिलने में आपको खुशी होती है, तो आप क्या कहेंगे? आई एम प्लीज टू मीट यू, मुझे आपसे मिलके काफ़ी खुशी हुई है। तो सेकंड पर्सन क्या कहेगा? द प्लेजर इज माइन, द प्लेजर इज माइन। तो ये तो मेरी खुशी की बात है कि मुझे आपसे मुलाकात हुई है। फर्स्ट पर्सन कह रहा है आई एम प्लीज टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। तो यानी सेकंड पर्सन भी क्या कहेगा? वो भी उसके बात को गिरने नहीं दिया, बल्कि वो क्या किया है, द प्लेजर इज माइंड, इसमें तो मेरी खुशी की बात है। द फर्स्ट पर्सन कहता है आई हर्ड जॉन स्पीक्स अबाउट यू ऑफन। हाँ, मैं अक्सर सुनते रहता हूँ। आई का मतलब क्या हो गया आपका? आई प्लस हैव। जब आई हैव का हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है आपका? आई हैव। आई हैव को जब हम लोग मिला देते हैं तो क्या पढ़ते हैं? आई आई हर्ड जॉन स्पीक्स अबाउट यू ऑफन। हाँ, मैं अक्सर सुनते रहता हूँ कि जन जॉन तुम्हारे बारे में जिक्र करते रहता है। तो यहाँ पे नेम है जॉन, ठीक है? जॉन का नेम। तो यहाँ पे आप किसी का नेम भी डाल सकते हैं, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस भी करवाएंगे किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं। अब सेकंड पर्सन क्या आ गया? ओनली गुड थिंग्स आई होप है। तो ये क्या कह रहा है सेकंड पर्सन? कि हाँ, मेरे ख्याल से मेरी अच्छी ही बातें करता होगा, मेरी चुगली तो नहीं करता होगा। मीन्स आई ओनली गुड थिंग्स आई होप है, इतना तो उम्मीद है कि वो मेरी बुराई तो नहीं करता होगा, अच्छी बात ही करता होगा। तो चलो हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको। तो रिवीजन में फर्स्ट में क्या कहते हैं हम लोग? फर्स्ट पर्सन सेज है आई एम प्लीज टू मीट यू, मुझे मतलब मुझे मिलके आपसे खुशी हुई है। द प्लेजर इज माइन, ये तो मेरी खुशी की बात है। फिर फर्स्ट पर्सन क्या कहेगा? आई हैव हर्ड जॉन स्पीक्स अबाउट यू ऑफन, मतलब हाँ, मैं सुनते रहता हूँ कि जॉन अक्सर तुम्हारे बारे में जिक्र करते रहते। इसे ट्रांसलेट नहीं करना है, बस अपने ही अंदाज में उसे एक्सप्रेस करना है। आई हर्ड जॉन स्पीक्स अबाउट यू ऑफन, हाँ, जॉन अक्सर तुम्हारे बारे में जिक्र करते रहता हूँ, जिक्र करते रहता है। तो फिर सेकंड पर्सन क्या कहेगा? ओनली गुड थिंग्स आई होप है, हाँ, मेरी बुराई तो नहीं करता होगा, सिर्फ अच्छी ही बातें करता होगा। तो ये कन्वर्सेशन सी था आपका। आप देख लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना है आप लोगों को, ऐसे रिवाइज करना है, ठीक है? तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।